जहां पर नागिन बूटा पथरी में एक आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में सेना के दो जवान शहीद हो गए हैं। हमले में सेना के दो जवान शहीद हुए, लेकिन साथ में दो सिविलियन पोर्टर्स की भी मौत हो गई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, गुलमर्ग में यह अटैक हुआ है। इसे तीन दिन पहले आपने देखा था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दो सेना के वाहनों पर अटैक के पहले गांदरबल में अटैक हुआ था। आज दो इस आतंकी हमले में दो जवान शहीद हुए हैं और काफिले के पास मौजूद सेना के दो पोर्टर्स की भी मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकियों ने गुलमर्ग के नागिन पोस्ट के पास बोटा पथरी में घात लगाकर निशाना लगाया है, हमला किया है। अचानक हुई गोलीबारी में चालक ने संतुलन खो दिया और वाहन खाई में जा गिरा। उसके बाद यह हादसा हुआ और उनकी मौत हो गई। हमले में जख्मी सात लोगों को आनफान में अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें दो जवान और दो पोर्टर्स की मौत हो गई है। तीन अन्य जवानों का इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हालांकि रात होने की वजह से तलाशी अभियान में मुश्किलें आई हैं और अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, सूत्रों का यह कहना है कि हमला जवानों के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में आवाजाही के दौरान हुआ और इससे कुछ ही देर पहले पुलवामा के बटगुंड त्राल इलाके में आतंकियों ने एक मजदूर को गोली मार दी थी। एक सप्ताह से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को ही आतंकियों ने गांदरबल में गगनगीर के पास निर्माणाधीन सुरंग के पास एक साथ सात लोगों की हत्या कर दी थी। कश्मीर में सेना की चिनार कोर ने हमले के तत्काल बाद सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि बारामूला के बोटा पथरी इलाके में आतंकियों और जवानों के कुछ देर के लिए दोनों के बीच में गोलीबारी भी हुई है। इलाके पर पूरी तरह से सेना का नियंत्रण है और ऐसी खबरें थी कि आतंकियों के एक समूह ने गर्मियों की शुरुआत में इलाके में घुसपैठ करके अफरावत रेंज की ऊंची चोटियों पर ठिकाना बना रखा है और हमले का मौका देख रहे हैं। यह क्षेत्र हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो सवाल यह भी है कि क्या पर्यटकों के लिए भी अब चिंता का विषय है यह इलाका। और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि आतंकियों को ढेर करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मनोज सिन्हा की ओर से, एलजी की ओर से, उपराज्यपाल की ओर से ये त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, बलिदानियों के परिवार वालों के प्रति सहानुभूति है। गांदरबल में जब इस तरीके से अटैक हुआ था और कुछ मजदूर और एक डॉक्टर की मौत हो गई थी, तब भी एलजी मनोज सिन्हा की ओर से कहा गया था कि पूरी छूट है, पुलिस हो, सेना के जवान हो, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, सबक सिखाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई समझें की जाए। और अब की बार भी कहा है कि आतंकियों का सफाया किया जाएगा और सेना के जवान जो हैं उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। सीएम उमर अब्दुल्ला भी बोले हैं कि हमले बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमले पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे हमले बढ़ना गंभीर बात है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जान गंवाने वालों के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की ओर से इस घटना की निंदा की गई है। कठुआ में बलिदान हुए थे पांच जवान। आपको बताएं कि इससे पहले जो एक बड़ा अटैक हुआ था वो रायसी में हुआ था। 9 जून का दिन था, हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई जिसमें 9 श्रद्धालु मारे गए थे। वहीं 9 जुलाई को कठुआ में सेना के वाहन पर हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। 5 जवानों ने अपना बलिदान दिया था। और इससे पहले, उसके भी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि किस तरीके से शोपियां और गांदरबल के बाद आतंकियों ने अब पुलवामा जिले के त्राल में प्रवासी को निशाना बनाते हुए यूपी के बिजनौर के एक शख्स को गोली मार दी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफसरों के मुताबिक आतंकियों ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। 2 साल से यह शख्स सैलून में काम कर रहा था। घटनास्थल से 9 mm पिस्तौल का खोखा बरामद हुआ है। 8 दिनों में यह तीसरा आतंकी हमला है। अब सवाल यह भी है कि पहले सिर्फ जो सेना का कॉन्वॉय था उन पर अटैक होता था, सेना को टारगेट किया जाता था। अब हम देख रहे हैं कि अब सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। अगर ग्रुप में नहीं टारगेट किया जा रहा है तो छुटपुट घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि बौखलाहट साफ तौर भरी हुई है। और ये छुटपुट घटनाएं कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि प्लानिंग बहुत पहले से थी। टारगेट किलिंग हो रही है, घात लगाकर हमला हो रहा है। और जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि पहले ही पहाड़ियों पर आतंकियों ने गर्मियों की शुरुआत में अफरावत रेंज की ऊंची चोटियों पर ठिकाना बनाया है। अब सवाल यह भी है कि क्या उस चोटी से रह रहकर आतंकी अब रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, या ऐसे कई ग्रुप हैं जो कि इस वक्त घाटी में एक्टिव हैं। क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश है, घाटी को दहलाने की कोशिश है? कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पथरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर
इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस प्रकार से कुछ आतंकी इस वक्त एक्टिव हुए हैं और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये सीरियस मैटर है। आर्मी के व्हीकल जब निकलते हैं, इकट्ठे होकर के निकलते हैं, इससे पहले भी कश्मीर में आर्मी पर अटैक करने का बहुत बार प्रयास किया गया, तो मुझे लगता है कि शायद उनको इस वक्त घेराबंदी की होगी। जंगल का रास्ता या दूसरा रास्ता, ऐसी जगहों पर वो वार करने का प्रयास करते हैं, तो उसके बाद दौड़ भी जाते हैं। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि आर्मी ही हमें उन इलाकों में बचा रही है एमरजेंसी से या दूसरी चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि रणनीति जल्द से चेंज हो और लगातार इन वारदातों का होना चिंताजनक है। ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है, इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। जिस तरह के आतंकवादियों के मंसूबे हैं, इनको नाकाम करना पड़ेगा। और हम केंद्र सरकार, यूटी की सरकार को कहेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है और बने। हमारी फोर्सेस जो है वो डट के लड़ रही हैं, लेकिन इस तरह के हमले एक शरारत है और चुनौती है, जिसके खिलाफ मुकम्मल जो है वो एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए। खबर आई है गुलमर्ग में जो नागिन एरिया है, वहाँ हमला हुआ आर्मी पे, इसकी तो और भी ज़्यादा तशवीश है, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्योर एरिया है, आर्मी की वहाँ बहुत प्रेजेंस है। वहाँ इस किस्म के हमले होना काफ़ी तशवीश के इसमें, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ रियासत को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे चीफ मिनिस्टर साहब को इन चीज़ों का तजुर्बा है, हम ये भी चाहते हैं कि वो सारे जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इस किस्म की एक्सपीरियंस के जो बातें हैं वो बहाल हो जाए। इस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के बगैर कोई चारा नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब इस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि आतंकियों का सफाया जल्द होना चाहिए। इसी पर मुनीर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। मुनीर, जिस तरीके से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, अगर पिछले एक हफ्ते का हम पूरा घटनाक्रम देखें, तो जाहिर तौर पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पहले से ही, कई महीनों पहले की प्लानिंग के बाद, इस तरह के छोटे छोटे छुटपुट अटैक्स और टारगेटेड अटैक्स और घात लगाकर अटैक किए जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरह रात के दौरान जो गुलमर्ग के बूटा पथरी, मैंने पहले भी बताया कि गुलमर्ग से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की एलओसी पर है, मैं गुलमर्ग में हूं। आप पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं पीछे से, और ये बूटा पथरी का, इस पहाड़ी के उस पार बूटा पथरी का इलाका है और इसी घने जंगल में, क्योंकि ये एलओसी है, करीबन यहां से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर यह वाका जो हुआ है, क्योंकि जो पोस्ट है यानी नागिन पोस्ट से आशा पोस्ट के दरमियान जो ये दोनों गाड़ियां जा रही थी, आर्मी की गाड़ियां, और उसी दौरान ये अटैक किया है मिलिटेंटों ने। और सबसे अहम बात यह है कि जो आप ये चोटियां देख रहे हैं, ये पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों पर अब गुलमर्ग और इस एरिया में सर्दी ठंड शुरू हो गई है और अब इन पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। और जो मिलिटेंट इन पहाड़ों में ताक लगाकर इस पार आने की कोशिश में थे, और अब वो कोशिश करेंगे कि जब सर्दी होगी, बर्फबारी होगी, तो कोशिश वो करेंगे इस पार आने की। और इसीलिए कल जो ये का उन्होंने अंजाम दिया है, और इसमें जो दो पोर्टर, सिविलियन जो पोर्टर है और वो मारे गए हैं, और दो जो फौजी जवान हैं वो इसमें मारे गए हैं। और फिलहाल रात के दौरान जो वसी ऑपरेशन चलाया गया था, और फिलहाल रात के दौरान अंधेरी की वजह से और घने जंगल की वजह से उस पर हॉल्ट पे रखा गया था, और अब सुबह सवेरे से ही जो ही रोशनी आई और उसके दौरान फिर से वसी पैमाने पर फौज ने इस घने जंगल में ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और उन मिलिटेंटों के जो घने जंगल में छुपे बैठे हैं उनकी वसी पैमाने पर तलाश की जा रही है और शुरू कर दी गई है। और फिलहाल यहाँ गुलमर्ग की, और यानी टंगमर्ग से किसी गाड़ी को यहाँ गुलमर्ग की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है, फिलहाल वहाँ पे सील कर दिया गया है और किसी गाड़ी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। और क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इस पे दुख का इजहार किया है, और इन चंद दिनों में जो हम देख रहे हैं एक के बाद जो वाकात, ऐसे मिलिटेंटों के हमले आ रहे हैं, और ये चिंता
यानी चिंता का विषय है। और इस दौरान जो गुलमर्ग की ये तस्वीरें हैं, और क्योंकि अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि ये एक यानी पर्यटक स्थल है और यहाँ पे विदेश और देश से जो काफ़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, और उसमें ये मैं बता दूँ कि ज़रूर, क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस ये एरिया जो है सेफ है, और टूरिस्ट जो परेशान कल से लग रहे थे और इनके घर वाले परेशान थे, उनकी कोई परेशान होने की कोई विचार नहीं करना है, और क्योंकि यहाँ ये एरिया जो है इसमें टूरिस्ट जो है पर्यटक है आराम के साथ घूम सकते हैं। और क्योंकि LOC के करीब ये वाकया पेश आया है, और इसमें यही है कि जो मिलिटेंट हैं उनको बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाश की जा रही है, उनको जल्द अज जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि पर्यटकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बेधड़क वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जानकारी दीजिए, जो 3 जवान घायल हैं अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत कैसी है? गांदरबल से जिस जगह यहां अटैक हुआ है, क्या लगभग 60-70 किलोमीटर का इलाका है? ये टेरेन है कैसी? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जख्मी जवान हैं उनको कल ही यहाँ से जो आर्मी की एम्बुलेंस है उन्हें श्रीनगर मुंतकल किया गया है, और उसमें जो एक पोर्टर भी है वो भी जख्मी है। जो 2 पोर्टर जिनकी डेथ हुई वो बुनियार बारामूला के हैं, और अभी उस बारे में कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्रों से यहाँ पे खबर आ रही है कि उनकी हालत जो है मुस्तकम बताई जा रही है। और साथ ही जो यहाँ पे ये बूटापथरी का इलाका जो है, क्योंकि जब हमने देखा था रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने यहाँ बॉर्डर टूरिज्म को खोला गया था, और इसमें ये बूटापथरी भी था शामिल, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही इस बूटापथरी इलाके में टूरिस्ट जाते थे, पर्यटक जाते थे, और उसके बाद जो पोस्ट्स थे आर्मी के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में थे, और कहीं ना कहीं जो बॉर्डर टूरिज्म है उसमें अब कहीं ना कहीं ये रुकावट हो सकती है, क्योंकि जो मिलिटेंट्स ने इन बॉर्डर एरियाज में ये रखना डालने की कोशिश की है। फिलहाल गांदरबल और जो गांदरबल में जो अटैक हुआ है वो काफी, उसके बाद ये अटैक होना और ये बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेज लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है, चुनौती है, क्योंकि ऐसे जो मिलिटेंट्स हैं और जो इस अमन अमान को रखना डालने की कोशिश में हैं कश्मीर के अंदर, जैसे हमने देखा था, क्योंकि यहां पे अब हालात भी बेहतर थे, और अब दोबारा जो है हुकूमत बनी है, और उसके बाद फिर से इस तरह के रखने डालने की कोशिश की जा रही है। मगर कल LG मनोज सिन्हा ने भी वाजह कर दिया है कि उन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उन्हें जल्द कैफर किरदार तक यानी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और वही कोशिश यहां पर भी की जा रही है इस पथरी के इलाके में, और फौज ने वसी तर पैमाने पर जो ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और जल्द जल्द उन मिलिटेंटों को खंगालने की कोशिश की जा रही है इन घने जंगलों में, और फौज ने जल्द उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। मुनीर, जब हम घने जंगलों की बात करते हैं तो अफरावत रेंज की भी बात करते हैं, ये है कैसा इलाका और क्या ये टेररिस्ट के छुपने के अनुकूल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये इलाका जो है इसमें कोई रिहायशी इलाका नहीं है, क्योंकि ये LOC का इलाका है, बॉर्डर इलाका है, इसमें पहाड़ है, घने जंगल है, और घने जंगलों में मिलिटेंट छुप सकते हैं, क्योंकि बहुत एरिया है, बहुत से पहाड़ है, एक के बाद एक पहाड़ है, और उनमें घने जंगल है, उनमें हो सकता है मिलिटेंट कहीं पर छुपे होंगे। और मगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं, और उन्होंने पूरे उस एरिया को जितने भी पहाड़ हैं उनको बाजाबता तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, और बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, और फौरन इन मिलिटेंट्स को उनका सुराग लगाया जाएगा और उन्हें फौरन उनका खात्मा किया जाएगा। ठीक है मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये कायराना हरकत एक बार फिर से आतंकियों की देखने